नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सरव कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मणी प्रकाशन का किताब प्लेटफॉर्म से आपको जो है वस्तुनिष्ठ जो कि आपका ऑब्जेक्टिव किताब है समाज विज्ञान का जनरल साइंस का, उससे हम लोग जो है सेट प्रैक्टिस करें। आपका 25 क्वेश्चन रहेगा एक सेट प्रैक्टिस में, ठीक है, एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस, और जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो है क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आज का हमारा सेट नंबर 51 होगा और इसमें आपका जो बिना आपका व्याख्या का विदाउट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, तो आपका जो है विदाउट एक्सप्लेनेशन आपका क्वेश्चन आंसर ओनली होगा और ये आपका विजन वीडियो है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो है 51 नंबर जो है टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, एक कॉलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान होगा। तो एक कॉलम में एक कॉलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान आपका अभी 6.25 × 10⁻¹⁸ होगा। तो आपका चार धात्विक चालकों की निम्न आकृतियां, ऑप्शन बी आपका गोल है। तो आपका चार धात्विक चालकों की निम्न आकृतियां आपका यदि इन्हें एक कुचालक आधार पर रखकर आवेशित किया जाए तो किस पर लंबे समय तक आवेश रहेगा। तो ऑप्शन नंबर एक आपका गोला तक, ठीक है, गोला में रहेगा, ठीक है। तो गोला पर सबसे लंबे समय तक आवेश रहेगा। गोला थ्री आपका एक इलेक्ट्रॉन एक अक्ष के अनुदिश गति करता है तथा विद्युत क्षेत्र वाई अक्ष की दिशा में है। तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा, ऑप्शन नंबर थ्री का ही जो है पृथ्वी का सिर परवल लयाकार होगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक अक्ष के अनुदिश गति करता है तथा विद्युत क्षेत्र वाई अक्ष की दिशा में है। तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा ऑप्शन नंबर सी परवल लयाकार होगा। और आपका निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है, तो ऑप्शन नंबर फोर का डी अल्फा किरण। तो निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है, अल्फा किरण। फाइव आपका एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर फाइव का बी बढ़ती है। तो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की वैद्युत ऊर्जा आपका बढ़ती है। सिक्स आपका एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तीसरे आवंद के माध्यम से जुड़े होते हैं, तो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सिक्स का भी योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। सेवन आपका क्वेश्चन नंबर है, अभिक्रिया Fe3+ E- आयन रिएक्शन Fe2+ आयन के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सेवन का डी। तो Fe3+ आयन और Fe2+ आयन दोनों अमलीय मूलक कहे जाते हैं, आपका गलत है, बाकी आपका सही है। तो Fe3+ आयन अचयित अपचयित होता है, Fe की ऑक्सीकृत अवस्था परिवर्तित होती है और आपका Fe3+ आयन को ऑक्सीकारक कहा जाता है, आपका तीनों सही है। एट आपका विद्युत वाहन विद्युत वाहक बल निम्न में से किसके निकटस्थ है, तो एट का राइट ऑप्शन नंबर बी विवाहांतर के। तो विद्युत वाहक आपका बल निम्न में से किसके निकटस्थ है, ऑप्शन नंबर बी विवाहांतर का। नाइन आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो नाइन का ऑप्शन नंबर डी ORS घोल अतिसार एवं आंतरिक स्रोत में लाभदायक है, आपका सत्य है, ठीक है। तो ORS घोल अतिसार एवं आंतरिक स्रोत में लाभदायक। टेन आपका मेंडेलीफ ने जब कार्य को शुरू किया था तत्वों का वर्गन तब डैश तत्वों का जाना जाता है, तो टेन का राइट आंसर ऑप्शन बी शिक्षित है। तो मेंडेलीफ को जब कार्य को शुरू किया था तत्वों का वर्गीकरण तब 63 तत्वों को जाना जाता था, ठीक है। क्वेश्चन 11 दीमकों की आत्र में सेलुलोज पाचन हेतु कौन उपस्थित रहता है, तो 11 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो दीमकों की आत्र में सेलुलोज पाचन हेतु कौन उपस्थित रहता है, ऑप्शन नंबर बी आपका जीवाणु बैक्टीरिया, ठीक है। क्वेश्चन 13 नंबर, भारत में वर्तमान में निम्नलिखित में से क्वेश्चन 12 आपका है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्शन टेक्नोलॉजी आपका कहाँ अवस्थित है, तो 12 का ऑप्शन बी आपका बेंगलुरु में। 13 नंबर है, भारत में वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी सॉफ्टवेयर की शीर्ष निर्यातक कंपनी है, तो भारत में वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी सॉफ्टवेयर की शीर्ष निर्यातक कंपनी है, तो 13 का ऑप्शन बी आपका TCS है। 14 क्वेश्चन आपका, एक सामान्य शुल्क सेल में विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो 14 का ऑप्शन नंबर सी तो आपका अमोनियम क्लोराइड होता है। तो एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट होता है तो आपका अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन 15 है, 72 kg जल से उत्पन्न ऑक्सीजन O2 है, तो आपका 72 kg ऐसे उत्पन्न ऑक्सीजन O2 कितना, आपका 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी 64 kg है। 16 नंबर है, जीवाणु कोशिका की वृद्धि सेल वॉल का डैश का एक प्रमुख बहुलक है, तो 16 का ऑप्शन डी पेप्टाइडोग्लाइकेन है। तो जीवाणु कोशिका की वृद्धि सेल वॉल आपका पेप्टाइड डोग लाइन का एक प्रमुख बालक है। 17 नंबर, तालाब का रेशम पौन सिल्क न समान है, तो तालाब का रेशम पौन सिल्क आपका समान नाम किसका, ऑप्शन नंबर 17 का सी है, तो स्पाइरो गायरा का। तो तालाब का रेशम पौन सिल्क समान आपका स्पाइरो गायरा का है। 18 नंबर, रीड ओनली मेमोरी, तो रीड ओनली मेमोरी रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप क्या है, तो 18 का ऑप्शन नंबर डी, तो ई प्रोम है, ठीक है, ई प्रोम है, ठीक है,
PERO M, ठीक है। नाइट्री आपका इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया जाता है? तो इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया जाता है? तो नाइट्री करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गैलियम के रूप में, गैलियम धातु के रूप में नामित किया जाता है। ठीक है, तो इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित किया जाता है। 20 आपका पेंटो में क्रोमियम ऑक्साइड पेंट का कौन सा रंग बनता है? तो 20 का ऑप्शन बी आपका हरा रंग बनता है। पेंटो में क्रोमियम ऑक्साइड पेंट का कौन सा रंग बनता है? तो आपका हरा का। 21 है निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक, तो निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक के तुल्यांक के भार और आणविक भार समान है? तो 21 का ऑप्शन नंबर डी NaCl। तो आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक के तुल्यांक के भार और आणविक भार समान था? NaCl का। 22 जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? तो 22 का ऑप्शन नंबर निस्यंदन। तो जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता? निस्यंदन। 23 है विस्कॉस, तो विस्कॉस रेयन धागा बनता है, तो विस्कॉस रेयन धागा बनता है किसका? तो ऑप्शन नंबर सी सेल्युलोज जिनथेट का। विस्कॉस आपका रेयन धागा बनता है सेल्युलोज जिनथेट का। 24 है हैम्बर्गर घटना को कहा जाता है, तो हैम्बर्गर घटना को ऑप्शन सी क्लोराइड विस्थापन कहा जाता है। 25 है सल्फा हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो 25 को ऑप्शन अष्टफल किया, तो सल्फा हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा था? तो अष्टफल किया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आपका चैप्टर नंबर टेस्ट सीरीज 51 हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कल हमारा टेस्ट सीरीज 52 होगा। ठीक है, तो आज के बाद आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।